नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका अचीवर्स वेब के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब पर बहुत बहुत स्वागत है। आप हमसे जुड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा आप अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि और लोग हमसे जुड़ पाएँ। ओके दोस्तों, आज है 8 जुलाई। ओके, और हम अगले आने वाले कुछ समय में आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ होगा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा, मैप ऑफ द डे। और जिसमें हम लोग, आपको पता है कल ही हम लोग यूरोप कंटिनेंट की सैर पर चले थे, तो आज दोस्तों हम लोग उसमें देखते हैं क्या करने वाले हैं। मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग आज करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज उसके बारे में बताऊंगा जो कि रूस से टूटकर अलग हुए हैं, लेकिन वो मैं आपको मेन रूप से एशिया में बताऊंगा क्योंकि उसमें बहुत सारे देश मेन रूप से एशिया के ही हैं। ठीक है, तो उसको मैं एशिया में बताऊंगा। आज मैं आपको यूरोप के एक इम्पोर्टेंट कंट्री के ओर ले चलता हूँ। कहा जाता है जिसका फिजिकल जो बनावट है, भौगोलिक जो संरचना है, ये भारत से मिलता जुलता है। ओके, जी हाँ, आप लोग समझ चुके होंगे मैं बात कर रहा हूँ इटली की। तो आइए आज हम लोग इटली को देखते हैं। उसके पहले दोस्तों, आप लोगों ने आई होप कि वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को यदि जो नए होंगे उन्होंने सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, और यदि अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ कैसे भी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तो लाइक करना ना भूलिए। ओके, आपका लाइक, कमेंट, शेयर ही हमें मोटिवेट करके रखता है। ओके, नए नए चीज़ों पर वीडियो लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पूरा विश्व दोस्तों, ये आपको हमारा प्यारा भारत दिख रहा होगा, और हम लोग जूम करके चलते हैं इटली की ओर। ये देखिए, आपको इटली दिख गया होगा। जी हाँ, वही इटली कुछ दिन पहले जो काफ़ी न्यूज में था कोरोना वायरस के कारण। ओके, सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे इटली की राजधानी के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इटली की राजधानी कहाँ है दोस्तों, रोम है। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए, जो जो बातें आते जाएगी मैं एक एक करके बताता जाऊंगा। ओके, इटली में एक शहर है दोस्तों, ठीक है ना, इटली में एक शहर है जिसका नाम है वेनिस। यहीं आसपास में, इस रेंज में एक शहर है जिसका नाम है वेनिस। और ये क्या है दोस्तों, ये जो सी है, एड्रियाटिक सी है, आप लोग जानते होंगे इस सी के बारे में। तो ये जो वेनिस शहर को एड्रियाटिक सी की रानी कहा जाता है। ओके, वेनिस को एड्रियाटिक सी की रानी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। इटली में एक नदी बहती है, जिस तरह से भारत में एक नदी बहती है गंगा, उसी तरह से इटली में एक नदी बहती है जिसका नाम है पो नदी। और पो नदी को दोस्तों इटली की गंगा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इटली की गंगा किसे कहा जाता है, पो नदी को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। रोम भी भाई कोई न कोई नदी के पास बसा हुआ होगा। तो जी हाँ, रोम के पास से भी एक नदी गुजरती है, और इस नदी का नाम भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में देखा गया है कि हाँ भाई बताओ रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप लोग बताइएगा यस सर, रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये आप बता दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ओके, इतनी सारी बातों को हम लोगों ने किया। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, ये इटली का एक आइलैंड टाइप का है। ठीक है, जो बीच में थोड़ा सा गैप आपको दिख रहा होगा, तो ये इटली का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे आप लोग सिसली के नाम से जानते होंगे। तो पूछता है एग्जाम में कि हाँ भाई बताओ सिसली और इटली के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, कौन सा जल संधि है। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो सिसली है और ये जो इटली है इधर, इसके बीच में जो जल संधि है इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मेसिना, और आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ मेसिना है। ओके, एक बात को और ध्यान रखिएगा कि ये जो गल्फ आपको दिख रहा है ना, ये गल्फ ऑफ टोरंटो है, इस टोरंटो। ओके, इसके बारे में भी पूछा जाता है। जो जो बातें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँगा। ओके, अच्छा, जब ये गल्फ ऑफ टोरंटो है तो इधर इटली और इधर ये जो देश है, इधर जो कंट्री है अल्बानिया आपको दिख रहा होगा, या फिर जो भी कंट्री है ग्रीस दिख रहा होगा, इसके बीच में भी एक जल संधि है जिसका नाम वही है, स्ट्रेट ऑफ टोरंटो है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके बीच में। ये तो इसका फिजिकल बात हो गई कि हाँ भाई कैसे कैसे कैसे, अब इसका थोड़ा सा बीच में चलते हैं, इसकी मैदानी एरिया के बारे में जानते हैं। उसके बारे में भी आपके एग्जाम्स में प्रश्न देखे गए हैं। इटली में जो मैदान है, जैसे भारत में जो मैदान है जहाँ खेती होती है उसे गंगा का मैदान या फिर दक्षिणी का पठार बोलते हैं ना, उधर भी कुछ खेती होती है, तो इटली में उसी तरह से एक मैदान है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैदान आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, लोम्बार्डी का मैदान। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हाँ भाई बताइए लोम्बार्डी का जो मैदान है ये कहाँ है, तो आप लोग फट से जवाब दीजिएगा कि हाँ लोम्बार्डी का जो मैदान है वो इटली में है। ओके,
अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि इतना चीज़ तो हो गया, क्या इटली में कोई पहाड़ वगैरह नहीं है? तो जी हाँ, इटली में एक पहाड़ भी है, इस तरह से फैला हुआ है, ठीक है। और इटली में जो पहाड़ है इसका नाम मैं यदि बताऊँ तो एपेनिन्स है, ओके। एपेनिन्स रेंज है इटली में फैला हुआ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब जब पहाड़ की बात की है तो थोड़ा सा ज्वालामुखी वगैरह की भी बात करते चलेंगे, है ना। तो इटली में रोम के आसपास थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, रोम से इधर चलिएगा, पूर्व की ओर चलिएगा, तो एक वेसुवियस नाम का एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। VESUVIUS वेसुवियस नाम का एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। ये तो सुसुप्त ज्वालामुखी है, लेकिन एक एक्टिव ज्वालामुखी भी है। कौन सा? तो आप लोग चलिए फिर से सिसिली की ओर, मैं बताता हूँ। नाम भी आप लोगों ने अभी से सुना होगा माउंट एटना के बारे में, हैं। अच्छा, एक और का नाम आप लोगों ने सुना होगा लिप्री के बारे में। तो लिप्री, माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली, ये सब वगैरह जो है ना, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बहुत सारी बातें हो गई इटली के बारे में। कल हम लोग बात करेंगे आल्प्स के बारे में, आल्प्स का विस्तार कहाँ कहाँ है और आल्प्स में कौन कौन से कंट्री बसते हैं, ओके। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ चले, ओके। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ लिया, तो पहला प्रश्न ही एक निधन से रिलेटेड है, देखते हैं क्या है प्रश्न। कि बॉलीवुड के महान अभिनेता मोहम्मद यूसुफ खान, जिन्हें पेशेवर रूप से किस नाम से जाना जाता है, का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लेजेंडरी बॉलीवुड एक्टर मोहम्मद यूसुफ खान, प्रोफेशनली नोन एज -, पास्ट अवे एट द एज ऑफ 98। दोस्तों, आप लोग मोहम्मद यूसुफ खान को जानिए या ना जानिए, लेकिन दिलीप कुमार सर को अच्छी तरह से जानते होंगे। तो जी हाँ, ये जो दिलीप कुमार साहब हैं, ये इनका प्राचीन नाम क्या, इनका जो मूल नाम था ये मोहम्मद यूसुफ खान था, ओके। और ये दोस्तों कल चल बसे, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे, इनकी याददाश्त क्षमता भी खो गई थी। सायरा बानो इनका काफ़ी ख्याल रखा करती थी, इनकी पत्नी, ओके। तो दिलीप कुमार साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है। जानते हैं इनके बारे में कुछ बातों को। इन्हें लोकप्रिय रूप में बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के रूप में जाना जाता था, और हो सकता है रेलवे के एग्जाम वगैरह में आपसे पूछ दे कि हाँ भाई बताओ ट्रेजेडी किंग के रूप से किसे जाना जाता था, तो ट्रेजेडी किंग के रूप में दिलीप कुमार साहब को जाना जाता था, ओके। उन्हें आखिरी बार 1998 की फिल्म किला में देखा गया था। तो 1998 के बाद ये एक्टिव नहीं है फिल्म जगत के क्षेत्र में, ठीक है। और जानते हैं इनके बारे में कि इन्हें 1954 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता थे, और उन्होंने इसे कुल 8 बार जीता। तो सर्वश्रेष्ठ एक्टर में फिल्म फेयर जीतने वाले ये पहले एक्टर थे, और कुल मिलाकर 8 बार इन्होंने इस अवार्ड को जीता, ठीक है। उन्होंने और शाहरुख खान ने संयुक्त रूप से सबसे अधिक फिल्म फेयर ट्रॉफी का रिकॉर्ड बनाया है। तो शाहरुख भाई साहब भी 8 बार फिल्म फेयर जीत चुके हैं, ठीक है। देखते हैं अब 9वां वो रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं, लेकिन लग तो काफ़ी मुश्किल रहा है। चलिए, तो ये थे हमारे दिलीप कुमार साहब अर्थात मोहम्मद यूसुफ खान, ओके। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी नेचुरल पेंट्स? आपके ऑप्शन से दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नितिन गडकरी साहब। नितिन गडकरी साहब कौन है भाई? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है, ओके। और इनके बारे में जानते हैं कि जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड नाम के तहत गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पेंट का वर्चुअली उद्घाटन किया। वाह, ये जो पेंट है दोस्तों गाय के गोबर से बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मंत्री ने देश भर में इसे बढ़ावा देने और युवा उद्यमियों को गाय के गोबर के पेंट के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खुद को पेंट का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। काफ़ी बढ़िया चीज़ है जो हम नया नया इनोवेशन हो रहा है, खासकर हम लोग आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं, और वो भी उतना पॉल्यूशन वगैरह ये सब तो पैदा नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, एकदम शुद्ध रूप से क्या है पॉल्यूशन रहित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उतनी सारी बातों को जानना नहीं है कि खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने दोस्तों, तो नितिन गडकरी। और कल तो आप लोगों ने देखा होगा कि रिशफल हुआ है मोदी कैबिनेट का, तो उसके बारे में भी हम लोग आराम से जानेंगे। पहले अगले प्रश्न को देखते चलते हैं, वो प्रश्न भी कहीं ना कहीं आपके सामने हो सकता है आ जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लघु टिकट तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए पोस्टपेड मिनी लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल प्लेटफॉर्म है लॉन्च पोस्टपेड मिनी टू प्रोवाइड अ स्मॉल टिकल इंस्टेंट लोन्स? आपके ऑप्शन से दोस्तों फोनपे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों पेटीएम। पेटीएम ने पोस्टपेड मिनी टाइप का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसी अपने ऐप में ही, पेटीएम में ही, ताकि
आराम से मतलब उनको ऋण दे सके, मतलब आप उस समय पे कर दीजिए और बाद में पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। ओके, इसके बारे में ज़्यादा कुछ और बात तो है नहीं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या आपसे कहना चाह रहा है कि किस एयरलाइन को विमानन उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर के विजेता की घोषणा की गई है। विच एयरलाइन हैज बीन अनाउंस्ड द विनर ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर्स इन द एविएशन इंडस्ट्री। आपके ऑप्शन है दोस्तों सिंगापुर एयरलाइंस, एवायर, कोरियन एयर्स और इमेरिट्स। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोरियन एयर्स। ठीक है, तो कोरियन एयर जो कंपनी है इसे मिला है क्या एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, चलिए ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में, कुछ बातों को और जानते हैं कि इस वर्ष का पुरस्कार कोरियन एयर के लिए और भी अधिक सार्थक है क्योंकि वैश्विक उद्योग कोविड-19 के कारण हुए अभूतपूर्व संकट से पीड़ित है। तो कोरोना के काल में भी दोस्तों ये अपना बढ़िया सर्विस दिया, चाहे लोगों को लाना ले जाना हो या फिर अन्य सारी बातें हो, उन सारी चीज़ों को देखते हुए एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड के द्वारा एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड इसे मिल गया है, कोरियन एयर कंपनी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में किसके द्वारा ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया गया है। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु। ओके, आपके ऑप्शन है गिरिराज सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गिरिराज सिंह, क्योंकि दोस्तों केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह ही है। ओके, तो जानते हैं अन्य बातों को कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया है। ओके, और बातों को जानते हैं, ये ऐप को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद के वित्त पोषण समर्थन के साथ ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग ध्यान रखिएगा मत्स्य सेतु अब किसके लिए है भाई, तो ऑनलाइन कोर्स आपको मछली पालन का ऑनलाइन कोर्स इसमें बताया जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने राज्य में कांवड़ यात्रा पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कम्प्लीटली बैंड कांवड़ यात्रा इन द स्टेट। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड सरकार, झारखंड सरकार, बिहार सरकार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तराखंड सरकार। अभी फिलहाल उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि हाँ भाई जो कांवड़ यात्रा है हम अभी इस वर्ष भी रोक लगा रहे हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग झारखंड को खोज रहे होंगे, तो झारखंड से भी ऐसी न्यूज आएगी, अभी आई नहीं है लेकिन उम्मीद है कि उस पर भी बैन लग ही जाएगा। जो विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला होता है शायद उस पर इस वर्ष भी अंकुश लग सके। और दोस्तों उत्तराखंड में ये होना भी चाहिए था, उत्तराखंड के अभी कहीं भी इस तरह के काम होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में भी आप लोगों को पता होगा डेल्टा प्लस वेरिएंट का रोगी मिल चुका है। ओके, तो थोड़ा सा सतर्क बरतने की ज़रूरत है, सतर्की, ताकि तीसरा वेव को हम आसानी से यदि आए तो हमको आसानी से हैंडल कर सके। ओके, तो वही अपना सारा काम करते रहिए, मास्क लगाइए, हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए वगैरह वगैरह। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम, शॉर्ट में आप लोग इसे LIC के नाम से जानते हैं, ने किस नई योजना की शुरुआत की है। विच न्यू स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन है पेंशन जीवन मिशन, जीवन सरल पेंशन योजना, सरल जीवन सहायता योजना, या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जीवन सरल पेंशन योजना। ओके, तो जिसका टैग लाइन है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, मतलब कि LIC, इसके द्वारा एक हाल फिलहाल में योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है जीवन सरल पेंशन योजना। और दोस्तों मैंने कहीं पढ़ा था कि आप लोग LIC के साथ 10 मिनट रहते हैं LIC एजेंट के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपके जीने से ज़्यादा मरने में फ़ायदे हैं। ओके, वो इतना आपको कन्विंस कर देगा। क्या छोड़िए, अब देखते हैं हम अपने कैबिनेट के सफलिंग को, कैबिनेट में क्या क्या बदलाव हुए। हालांकि अभी मंत्रालय की घोषणा नहीं की गई है, जब वो घोषणा की जाएगी तब भी आपको बताया जाएगा। ओके, फिलहाल जानते हैं कि बहुत सारे मंत्रियों की छुट्टी हो गई है, तो आपके ऑप्शंस क्या है, सॉरी अगले प्रश्न को पहले देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कैबिनेट मंत्री के रूप में इस्तीफा नहीं दिया है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट रिजाइंड एज अ कैबिनेट मिनिस्टर। आपके ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन या निर्मला सीतारमन। तो दोस्तों रविशंकर प्रसाद हो या फिर प्रकाश जावड़ेकर हो, चाहे वो हर्षवर्धन साहब हो, ठीक है, चाहे फिर रविशंकर प्रसाद साहब हो, ये सभी ने अपना क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है, या फिर यूँ कहें कि इनसे जबरन इस्तीफा लिया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शायद दोस्तों मोदी की टीम और कोहली की टीम एक जैसी है, यदि आप लोग परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो आप लोग जल्द से जल्द हटा दिए जाओगे, रिप्लेस कर दिया जाएगा नए लोगों से। ओके, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने अपना परफॉर्मेंस दिया, इस कारण से ये खेल रही है अभी भी टीम में। ओके, चलिए
अब देखते हैं अगले प्रश्न को। उसके पहले कुछ और बातों को जान लेते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन कुछ वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों में से एक है जिन्होंने अपना पद बरकरार रखा है। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने 7 जुलाई 2021 को इस्तीफा दे दिया। ओके, अब नेक्स्ट है कि फिलीपींस के मनीला के पास किस ज्वालामुखी के फटने की संभावना है। फिलीपींस की राजधानी मनीला, आप लोग जानते होंगे, मनीला में चावल का संस्थान भी, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ओके, तो वहाँ दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ऐसा न्यूज आया कि ताल नामक एक ज्वालामुखी जो है फट सकता है। ओके, क्यों भाई? तो फिलीपींस के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि मनीला के दक्षिण में एक ज्वालामुखी ताल कभी भी फिर से फट सकता है क्योंकि जहरीली गैस उत्सर्जन रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। और दोस्तों जैसा ऐसा ही न्यूज आता है तो जल्दी से जितने भी गरीब तबके के लोग होते हैं या आसपास रहने वाले लोग होते हैं उन्हें खाली करा दिया जाता है। तो ऑलमोस्ट 1000 घर के आसपास को खाली करा दिया गया है। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड 5 मेजर स्टील मेकिंग प्रोजेक्ट वर्थ आरएस 1.46 लाख करोड़। दोस्तों ओडिशा के द्वारा 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं के लिए इतने रुपये की मंजूरी दी गई है। कितने रुपये की वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस जान लीजिए कि ओडिशा को किस लिए भाई। तो ओडिशा का लक्ष्य है कि भारत का स्टील हब बनाया जाए 2030 तक। ठीक है, तो इसके क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। अगला है दोस्तों प्रश्न कि हाल ही में GI प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है, यह किस राज्य की फसल है। तो दोस्तों भालिया किस्म के जो गेहूं है आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, ये गुजरात में उपजते हैं और इन्हें GI टैग भी दिया गया है। इस गेहूं में क्या खास है दोस्तों? तो इस गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और यह स्वाद में मीठा होता है। भालिया फसल प्रमुख रूप से गुजरात के भाल क्षेत्र में पैदा की जाती है, तो भाल क्षेत्र के कारण इसका नाम भालिया हो गया। ओके, चलिए, और इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसे बारिश के मौसम में बिना सिंचाई के उगाया जाता है। वाह, और गुजरात में लगभग 2 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में इसकी खेती की जाती है। ठीक है, ये तो हो गया भालिया किस्म के गेहूं के बारे में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कैबिनेट विस्तार में कितने नए मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। रिसेंटली हाउ मेनी न्यू मिनिस्टर्स हैव बीन स्वॉर्न इन द कैबिनेट एक्सपेंशन। तो दोस्तों 43 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। ओके, जिसमें से 15 मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री बनेंगे और बाकी जो बच गए वो सब राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। ओके, और बाकी किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है ये जब पता चलेगा मुझे तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगला है दोस्तों कि कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है। विच इज़ द टॉप स्टेट इन इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल। ओके, एक उत्पादन होता है और एक भंडारण होता है, दोनों दो बात होती है। तो उत्पादन में तो आपको दिख रहा होगा कि छत्तीसगढ़ टॉप पर है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कोयले के भंडारण में टॉप पर कौन है। ठीक है, और देख लेते हैं दोस्तों इसमें और आपको एक दो मिलेगा कि फर्स्ट पर कौन है, सेकंड पर कौन है। देखते हैं, छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया, ओडिशा और मध्य प्रदेश फिर रहा। ओके, मतलब सेकेंड पर ओडिशा, थर्ड पर मध्य प्रदेश। झारखंड कोकिंग कोल का शीर्ष उत्पादक था। ओके दोस्तों, तो ये सारी बातें हो गई, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना से जुड़े निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 25 लाख रुपया। ओके, 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। ठीक है दोस्तों, अब फिलहाल चलते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। बताइएगा सुर्खियों में रहा है कि तियांगेंग किस देश का प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन है। आप लोग उम्मीद है कि आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा क्योंकि ये जो अंतरिक्ष स्टेशन है बराबर न्यूज में रहता है। ओके, तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हम भी आपसे जुड़े रहेंगे। आप हमसे अपनी काम की चीज़ें लेते रहिए और हम आपको अपने बेस्ट देते रहेंगे। ओके दोस्तों, मैं शिवम मिलता हूँ अगले दिन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।